कृणाल ठाकुर आज भले ही इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम बन गई हो, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें भी काफी लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। इस समय एक्ट्रेस अपनी फिल्म द फैमिली स्टार को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में उनके साथ विजय देवकोंडा हैं। ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है और फिल्म अच्छी खासी कमाई कर रही है, लोग इस फिल्म को काफ़ी प्यार दे रहे हैं। मृणाल ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि न्यू कमर्स के साथ इंडस्ट्री में कैसा व्यवहार होता है। उन्होंने कहा था कि अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वो घर पर आकर खूब रोती थी। वहीं फिल्मों में जाने से पहले एक्ट्रेस ने ये ताने भी सुने हैं कि तुम टीवी इंडस्ट्री के लिए बनी हो, तुम फिल्मों में नहीं जा सकती, तुम फिल्मों के लिए नहीं बनी हो। मृणाल ठाकुर की अगर करियर की बात करें तो उन्होंने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी। उन्होंने मास मीडिया की पढ़ाई की है, लेकिन एक्टिंग उनका पैशन था, सपना था। मृणाल ने 2012 में सीरियल मुझसे कुछ कहती हैं खामोशियां में से अपनी करियर की शुरुआत की थी। इस शो के बाद एक्ट्रेस कुमकुम भाग्य में लीड एक्ट्रेस की बहन बुलबुल का किरदार निभाती नजर आई थी और यहीं से वो डायरेक्टर्स की नजर में आई। इस शो में उन्हें काफी पसंद किया गया था। इसके बाद उन्होंने कुछ मराठी सीरियल्स किए और 2018 में मृणाल को उनकी पहली फिल्म मिली लव सोनिया। इसके बाद उन्हें बटला हाउस मिली, ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 में काम करने का मौका मिला, वो शाहिद कपूर के साथ जर्सी में नजर आईं। इसके बाद मृणाल ने साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म दी सीताराम। हाल ही में एक्ट्रेस हाय नन्ना में भी नजर आ चुकी हैं। तो मृणाल की इस जर्नी को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि एक टीवी एक्ट्रेस सिर्फ टीवी एक्ट्रेस होती है, वो फिल्मों में नहीं आ सकती, या फिर आपको लगता है कि एक्टिंग एक्टिंग होती है, चाहे टीवी में की जाए, ओटीटी में की जाए या फिर फिल्मों में की जाए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ENT Live।